नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक गुड न्यूज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय एजुकेशन डिपार्टमेंट में ATD 2023 के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। चाहे आप एक टीचर हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, सबके लिए लिंक ओपन था और आज उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन कुछ एरर के चलते कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि उनकी पोस्टिंग डिटेल वहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, डेजिग्नेशन OTP तक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखते हुए जहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी गवर्नमेंट के द्वारा इस ऑर्डर को निकाला गया है, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड नोटिस देर ऑफ, तो इस पहले देख सकते हैं, इससे पहले गवर्नमेंट ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला था वो 26 अप्रैल 2023 को निकाला गया था। उसी नोटिफिकेशन को जहां पे एक्सटेंड किया गया है, इस नोटिफिकेशन में आप क्लियरली जहां पे देख सकते हैं, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। नंबर वन, जहाँ पे आप देख सकते हैं द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर 2023 ATD के लिए जो कि एक्सटेंड की गई है 14th of May 2023 तक आप अपनी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एनी करेक्शन अपडेशन ऑफ द डाटा ऑलरेडी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑन ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल। तो अगर किसी ऑफिशियल ने पहले ही अपना ऑनलाइन फॉर्म अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दी है, अगर उस डाटा में किसी भी प्रकार की आप करेक्शन या अपडेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एडिट ऑप्शन है उसे भी एनेबल किया जाएगा, जो कि 13 मई को वो ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। और 14th May 2023 जिस दिन लास्ट डेट है, तब तक जिन भी ऑफिशियल्स ने अपनी ट्रांसफर अप्लाई की और कहीं ना कहीं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्गली वहाँ पे एंटर हो गई है, वो अपने उस फॉर्म को फिर से करेक्शन या अपडेट करके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि NIC की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। NIC का कहना है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी ATD 2023 अप्लाई करते वक्त, जैसे कि उनकी पोस्टिंग डिटेल वहाँ पे फैच नहीं हो पा रही थी, डेजिग्नेशंस कुछ रॉन्ग एंटर हुई थी आपके द्वारा। तो ऐसे में जहाँ पे क्या किया गया है, NIC के द्वारा DDO लेवल पे CPS और HRM पोर्टल के कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनको अनफ्रीज किया गया है। तो आप DDO लेवल पे उनको अप्रोच करके अपने उस डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि ATD 2023 में आपका जितना भी डिटेल वहाँ पे फैच हो वो बिल्कुल करेक्ट हो। और इस तरह से जहाँ पे NIC के द्वारा भी एक इनिशिएटिव लिया गया है ATD 2023 को मद्देनजर रखते हुए। अगर हम जहाँ पे ट्रांसफर फॉर्म की बात करें तो वो भी बहुत सिंपल है, आधे से ज़्यादा एक ऑफिशियल्स की जो डिटेल है वो पहले से आपको प्रीफिल मिलेंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पे मांगी जाएगी वो आपने फिल करनी है। और कंपोनेंट वाइज आपको हर ऑप्शंस के बाद आपको एक एक्नॉलेज का ऑप्शन मिलेगा, हर एक फील्ड में आपने एक्नॉलेज पे क्लिक करना है, एक्नॉलेज करने पे आपका वो डाटा अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ऐसे कर करके जितने भी फील्ड हैं वो आपने वन बाय वन उनको फिल करना है, फिल करने के बाद लास्ट में आपने अपनी कंसेंट देनी है। जैसे आप अपनी कंसेंट देंगे और फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और उसके साथ ही जैसे आपका डाटा सबमिट हो जाएगा तो उसके साथ में ही राइट साइड एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप अपने फॉर्म को PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से सबमिट नहीं होगा, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो आप एक बार फॉर्म को कि पूरे टॉप पे आए, वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म है ATD 2023 का। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी परेशानी आ रही है, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।